있었나? देखा बहन, तू डरा मत, हम तो बस तुमसे माफी मांगे आज। बने सुना, पहले तू चुपचाप यहाँ से चल जा, नहीं तो हम चिल्ला चिल्ला के फोन बजा दे। जा यहाँ से। बहन कसम से हमरा के माफ कर दो। हम तो रा के माफी देवे वाले के हैं। और सुना, हमारे अम्मा और दादी आते होंगे, उनकरा के आए से पहले यहाँ से चल जा, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाए। हम मानते नहीं, हम सारा साथ इतना गलत व्यवहार करनी, फिर भी तू हमारी जान बचा लू। ना भाई, रवो ठीक था ही ना। बहन तू इंसान ना, तुझे भी बारू दे। ये क्या कर रहा था? पीछे हटा, उठा यहाँ से। हमरा पता बा, हम कितनों माफी मांग ली, हमार पाप भूले वाला नहीं है। जब तक जिंदा रहे तू हमार बहन रहो। ये बतावे आईरनी है। एक काम करा, पहले तू हमार घर से तुरंत निकल जा। तू जोन कुछ भी हमरा साथ वो दिन कहिला, उनका काफी ना रहा कि तू हमरा के दुख देवे खातिर ही आ गईला। निकल जा यहाँ से, तुरंत निकल जा। हम तुम्हारा बारे में गलत सोचनी, ऐसे भगवान हमके नेकी का दौड़ा दे सके। अब हम बदल चुकल बानी, कसम खा के कहा था नहीं, तोरा के कबो दुख ना दे बहन, कबो दुख ना दे। अगर तहार मन बदल जाए तो माफ कर दिया हमरा के। आई हमेशा ध्यान रखिया कि राजेश तोहर भाई हो। तू बस जा हिया से। हमरा के माफ कर दिया बहन। सुन ले नहीं का, और फिर कब अपन सकल हमरा के ना दिखाइया। जा यहाँ से, चल जा यहाँ से। चंदा बिटिया, तुहार मन चांद की तरफ निश्चल निर्मल और पवित्र बा। तोहके दुख देवे के खातिर कुछ लोग कोशिश करी हैं, लेकिन ना चिंता करे के कौनो आवश्यकता नहीं खे, कारण कि वो लोग तुहार कुछ न बिगाड़ सके। श्वेता माता जी, रुकी, हमरा के आपसे कुछ बात करे क्या? का भइल श्वेता, काहे इतना परेशान हो? आपके ना पता काहे परेशान है? जान के अनजान बना थे हमके नहीं के पता, साफ साफ बताओ ना का बात। माता जी, हमरा के भी साफ साफ ही बोले की आदत है, ये घुमा फिरा के पहली करे की आदत नहीं थी। हम आपसे साफ साफ पूछते हैं, तो वो हमरा से शादी करब की ना? जब तक ये जवाब न दे, हम आपके यहाँ से ना जाए दे। अगर जवाब ना दे तो हाँ काम के बांध लेबू। ये तू धमकी दे तो हमके। एक बात हमार कान खोल के सुनना श्वेता, ये धमकी से हमरे ऊपर कुछ फर्क पड़े वाला नहीं थे। हम परेशान है, हमार प्यार भी रहुआ के धमकी लागेला। हमरा के पता है रहुआ भी हमरा के प्यार करेली, पता नहीं काहे ना बोलेली, सच्चाई से मुंह मोड़ के खुद के भी परेशान करेली और हमरा के भी परेशान करेली। श्वेता, हम तो के कई बार कह चुका लें कि हम सिर्फ और सिर्फ प्यार चित्रा से करेली और केहू और से नहीं। चित्रा ही हमारी जिंदगी है और ये सच्चाई है। एके प्यार ना जबरदस्ती कल जाला, और तू जबरदस्ती से केहू के दिल में प्यार ना जगा सके। ठीक है माता जी, अगर
आखिर आपका यही फैसला है तो ठीक है, शायद शायद हमारी गलती बा जो हम आपके दिल में अपनी जगह न बना सकते। लेकिन माधव जी, रउआ हमरा के जिए के कौनो भी गलत ना छोड़। लेकिन दीदी थैंक यू, रउआ हमार खातिर अपन जान जोखिम में डाल देंगे। माता बाबू के हमरा से बिया करे खातिर भी बना ले ली। थैंक यू दीदी, ये पूरा दुनिया में रउआ जैसा अच्छा कोनो नहीं खे। चंदा, श्वेता के आराम कर दो, थोड़ी देर खाते रोकरा के अकेला छोड़ दो। तू जा के रसोई संभालो। ठीक है अम्मा, आज हम सब खाना ना दीदी के पसंद के बनाई। ठीक है दीदी। भाई श्वेता, बहुत टेंशन में हो? इतना कुछ कहले के बाद भी माधव जी हमरा से शादी करे के तैयार नहीं की। रउआ सबके सामने शादी के लिए हाँ बोल देनी, लेकिन जाते ही हमरा के शादी के मना कर देनी। हमरा के समझ में नहीं किया कि हम का करिए। वाह श्वेता वाह, बहुत खूब। पहले कहलू प्लान बनावत नहीं, प्लान बनावत है, और अब कहता हूँ कि हमके समझ में नहीं क्या। सुन ल श्वेता, तुम्हारे प्लान वलान के भरोसे हमने लोगन आज तक कुछ न कर पेली, बल्कि तुम्हारे प्लान के चक्कर में हमने के हाथे सिर्फ और सिर्फ मायूसी हाथ लगा। बस चुप करा तू लोग। रेखा चुप करी अम्मा, हमने इनकर प्लान के खातिर काका न कही, और अब जब मौका आये तो हाथ खड़ा कर देगा। इनकरा के यहाँ रह के क्या फायदा बताई। रुद्रा, एकर मतलब यह कि श्वेता के हाथ में अब कुछ न रहल बा। हमने सब जो सपना देख ली सब पे पानी फिर गई बा, और अगर साफ साफ कहल जाए ना तो माधव श्वेता के बिल्कुल पसंद ना करे लग, बल्कि वो तो चंदा के पसंद करे लग। पिछले 2 महीना में जितना भी प्लान बनवली ना सब फेल हो गई बा, अपने मकसद में 2 कदम भी आगे न बढ़ पैली हम। बस रानी, तू काहे बिना सोचे समझे रुद्र के सपोर्ट करत हो? दीदी, रुद्र मरे के बात करत बा तो हम कैसे ना सपोर्ट करी, आप ही बताई। और तू जोन दिन आयल रहलू ना हमरा ऐसा लागल कि एक ही दिन में माधो तोरा आगे सरेंडर हो जाई, लेकिन का भइल उल्टा हो गई, तू माधव के आगे सरेंडर हो गई। देखिए अम्मा, बात केहू के सपोर्ट करे और ना करे के नहीं, बात यहाँ भरोसा के है, भरोसा के। और श्वेता, श्वेता के ऊपर हमने बहुत भरोसा किया, ये चीजें कहलन ऊ कहीं, लेकिन का हुई हैं? जी बहुत हो जगल, हम 2 मिनट चुप कर रही। तो दोनों हमरा के मरल समझ के फूल माला लेकर हमारे क्रियाकर्म के लिए तैयार हो गई। हाँ लेकिन याद रखी, हमरा के नीचा दिखावे के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को जिंदगी भर पछतावे के पड़े। दो दिन, अगर 2 दिन में माधव हमरा से शादी करे के तैयार ना होइए तो हम खुद ये घर छोड़ के चल जाए। इतना दिन तक प्लान ना बनाओ,
तो ये दो दिन में का जादू हो जाएगा। और एक बात बोलिस श्वेता, हमारा कहना तुहार एक को प्लान पर भरोसा नहीं है। और देखा श्वेता, तू यहाँ रह चाहे जा, हमारा ओकरा से कोनो मतलब नहीं। तू कहा ना कि हमारा के लुका छिपी के खेल नहीं खेल समझ में आओ, अरे जे कर उस सामने कर, चाहे ओकरा खाते कुछ हो जाए। दो दिन जहाँ इतने दिन तक हमारे पे विश्वास करी, दो दिन और। टाइम स्टार्ट नाउ। घोड़े से यहाँ से वहाँ भागत है, तू ससुर टांग पसार के सूतत हुए, चल उठ जल्दी, बहुत काम है अभी। डिस्टर्ब मी, आई एम सोए, सुते जाते ही हम, बाय, गुड नाइट। अरे फोन उठा वो माधव भैया, अरे दमकल के फोन करे कोनो। ए हाय चंदा मामा, श्यामू भी ना अब भाई एक रंग में भंग डाले कर हमेशा गलत टाइम पे फोन करेला। अब भाई एक बताई, अरे माधव भैया जल्दी से राइस में पहुंचा, यहाँ आग लग गई, सब जल गई। अब माधव जी को तो हम कभी भी अपन मुट्ठी में कर सकेले, लेकिन अभी अभी तो मिल में आग लग गई बा, अगर सब कुछ जल गए तो सब गड़बड़ हो जाए। अब माधव जी, माधव जी होश में, मिल में आग लग गई, श्यामू के फोन आये। माधव जी उठी, कहाँ उठी ना? अरे अरे श्वेता देखा, हमको डिस्टर्ब मत करा, अरे हम हवा में ही आसमान नहीं, तू हवा चला उड़े के। माधव जी आई देखा, चंदा मामा हेलो। माधव जी उठी। हे माता रानी, हे काली मैया, वह लोगन हमार माधव बाबू के हमेशा रक्षा करिए। मणि समझला, वो माधव के आज काम तमाम कर देवे के बा, उकरा इतना टुकाई पिटाई करे के बा कि वो बच के ना जा पाई, चला कि नहीं? हाँ समझ गई जा तिलोकी भैया, लेकिन ये माधव अभी तक आई कहना ही, राइस मिल में आग लगला तो बहुत देर हो गई बा, और हमरा तो सोच ली कि खबर मिलते वो भागल आई। मणि तू चिंता मत करा, तू आई बे करी। ठीक है भैया,
हम समझ गए जानी के। अरे हमारा बस चले तू माधव का काट के जमीन में गाड़ दे। हाँ भैया यही होगा कि चाहिए। हे भगवान हम क्या करें, हम क्या करें, कैसे रोके, कैसे रोके माधव बाबू के, माधव बाबू के फोन करो। दीदी अब कौनो दिखात नहीं के दे, सब जन बाहर गए है का तोहरा के नहीं मालूम का, का? माधव बाबू के शादी तय हो गई बा, नीला मालकिन और रानी मौसी के बात कर सुन ली है, यो सुन ली है एक दो दिन में बरछा होके वाला बा, यही खातिर सब कपड़ा लत्ता लेवे खातिर बाजार गई बाड़े, रात भर में झगड़ा लड़ाई मारपीट शादी ब्याह कर सारी कहानी हो गई। और हम तो यू सुन ली है कि श्वेता दीदी माधव बाबू का जान बचावनी है, यही खातिर माधव बाबू श्वेता दीदी से शादी करे खातिर तैयार हो गए बाड़े। माधव बाबू और श्वेता दीदी कहाँ बाड़न? जई है कहाँ, जब से शादी तय भइल बा तब से माधव बाबू श्वेता दीदी कमरा में ही बाड़े। डॉक्टर ने मरहम पट्टी कर दे ली भैया, जल्दी ठीक हो जाए। काबिल प्यास लगल प्या पानी हम दे देते। अरे चंदा तू कब आई लू और ये मुंह लटका के कहां खड़ा हो? श्वेता दीदी अब रहुआ कैसे नहीं? हम ठीक बानी। अच्छा तो श्वेता से मिले खातिर आई लो तो आवो अंदर। ना माता बाबू हम तो रहुआ से मिले आयल रही। हमसे मिले तो आवा अंदर। ना माधव बाबू पहले जो सवाल हम रउआ से पूछे आयल है ओकर जवाब रउआ हमरा की दी, ओकर बाद हम यहाँ से चल जाए। तो चंदा हमसे इंटरव्यू लियन सुना तो ना। अच्छा ठीक बात चला पूछा। माधव बाबू का ही सच है कि रउआ श्वेता दीदी से शादी करे जात है? माधव बाबू चुप कहे हैं, बोली नहीं, कहीं सच है? कर सच है मेरा हुआ, श्वेता दीदी से शादी करे जाते, बोली ना माधव बाबू। देखा चंदा, हमके पता नहीं थे कि तोके ये सब के बोलस, पर सुना, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करे थे। आवा, अंदर आवा। माधव बाबू हमरा के बताओलस एकर कोनो मतलब नहीं खे, रउआ बस हमरा के ई बताई का ही बात सच हा कि ना, बताई ना रउआ श्वेता दीदी से शादी करे जात हा कि ना, बोली माधव बाबू। चंदा एक काम कर अंदर आवा, बैठा बैठ के बात करेंगे। हाँ माधव बाबू अब हम ये चौखट तबे लांगब जब रउआ हमरा के
हमार सवाल के जवाब दी, के जवाब दी, के जवाब बोली माधा बाबू बात सच है ना? रहुआ रहुआ श्वेता दीदी से शादी करे जात है ना? बोली माता बाबू हमरा के ई पता चलल की श्वेता दीदी रहुआ के जान बचावले है, यही से आप उनकरा से बियाह करे चाहते है माता बाबू? बोली बोली ना माता बाबू हमारे सवाल का जवाब दी है। एक बार तो क्या दिली तो समझ में नहीं क्या हुआ? तू हो क्या खड़ा होके हमके टॉर्चर करा तू? तो ठीक बा सच सुनना चाहता हूँ ना तो सुना। हाँ हम श्वेता से ब्याह करना चाहते हैं। हाँ ये बात सही है कि आज हम ऐसा खड़ा है श्वेता के बदौलत ये भगवान बन के हमारी जिंदगी बचे ले भी। ये हम कैसे भूल जाए? हम खुद ही श्वेता के बोले वाला रहे, हम सोच लें कि श्वेता ठीक हो जाई था तो ओके ये बात बताई हम, और तू हमारा पूरा मूड खराब कर दे लू। श्वेता हम तो उसे ब्याह करेगा फैसला ले चुका है, हम तो उसे ब्याह करो। कोनो बात नहीं माता जी, आपसे शादी ही हमारी दवाई है। अब आप देखब हम बहुत जल्दी ठीक हो जा। सच में हम बहुत लकी हैं कि हमार शादी आपसे होके वाला बा। माधव बाबू रहुआ हमारा संगे धोखा करत है, रहुआ हमरा से शादी करत, ये बात हम पूरा गांव भर में घूम घूम के सब लोगन के बतावले हैं, और अब हम रहुआ ये कहते हैं कि रहुआ हमरा से ना श्वेता दीदी से शादी करब। रहुआ हमरे संगे बिया का वादा कैले है, ये बात रहुआ कैसे भूल सकते? हाँ हाँ ठीक बा, जब हम बड़ हो जाए तब तो ही से ब्याह करें। तो दिमाग खराब हो गई बा, हम कभी तो उसे वादा ना के लिए रख। माता रानी रहुआ तो बहुत निक कैलू, इतना निक कि अब हम केहू के मुंह दिखावे के लायक भी ना बचली। अगर हमरा के ई पतल रहा कि रहुआ का दिल भी माधव बाबू जैसा पत्थर का है तो हम रहुआ के ऊपर कबो कोनो विश्वास ना करे, कबो कोनो उम्मीद ना रखे। हम तो अपन आप को रहुआ के बच्ची समझते हैं, हम तो बचपन से यही सोच ले ली कि हमारी शादी माधव बाबू संगे हो। पूरा गांव वाले हमरा की पगली समझते, हमार मजाक उड़ावत रहली, ये कहत रहली कि चंदन तू पागल हो, कहा माधव बाबू और कहा तू। लेकिन हम उन लोगन के बात पे कबो कौनो ध्यान ना दिली। हम तो बचपन से यह सोच ली कि रहुआ का आशीर्वाद हमरे संगे है तो हमार माधव बाबू हमरा जरूर होइए। लेकिन आज तू और माधव बाबू हमारी भ्रम तोड़ दे ली हमारी भ्रम। लेकिन आज तो खुदे माधव बाबू हमरा के पागल साबित कर दे ली, हमरा से बिया करे खातिर मना कर दे लत। माता रानी हम अपन जाने में कबो केहू की दुख ना पहुंचा ले है,
लेकिन माता रानी, राहुल चंदा आज बहुत दुखी है। माता रानी, जब भी केहू के ऊपर कौनो संकट आवेला और रउआ के दरबार में आवेला, लेकिन जब रउआ ये कष्ट देवे लागे तो कहाँ जाए माता रानी, कहाँ जाए, बोली ना माता रानी, कहाँ जाए। हम रउआ से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, अगर इहू बात के रउआ हमरा के कौनो सजा देवे के चाहते तो अपन इच्छा पूरी कर ली ही माता रानी, सजा दे दी ही हमरा के। और अगर हमार जान लेवे के चाहते तो उहो ले ही माता रानी। लेकिन छोड़ी माता रानी, रउआ हमार खातिर इतना कष्ट काहे कर। हम अपन जान दे दे। माता रानी, हम रहुआ के आज आखिरी बार देखत, फिर कब वो चौखट पे लौट के ना आई। तोहरा के नहीं मालूम का माधव बाबू के शादी तय हो गई बा। हाँ, हम श्वेता से ब्याह करना चाहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आज हम ऐसा खड़ा हैं। श्वेता के बोतल, ये भगवान बन के हमारी जिंदगी बचे ले गया। श्वेता, हम तो उसे ब्याह करेगा फैसला ले चुका है। अगर वो अब हमरा से शादी ना करे तो हम जिंदा रह के का करे माता बाबू।